और खबर सितारगंज से, व्यापार मंडल अध्यक्ष पर मुकदमा होने से नाराज व्यापारियों ने घेरी कोतवाली। जफर अंसारी की रिपोर्ट। सितारगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता पर एक महिला ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता द्वारा उससे अभद्रता और अमर्यादित शब्द कहे गए, जिससे शब्द होकर महिला ने कोतवाली सितारगंज में इसकी शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए सितारगंज पुलिस द्वारा व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता व अन्य दो व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब शहर के व्यापारियों को जानकारी मिली तो सितारगंज के व्यापारियों ने कटीमा चौराहे पर एक हॉल में मीटिंग की, जिसमें व्यापारियों ने इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा की, जहां व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए महिला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा, ऐसा कोई मामला था ही नहीं। मेरा मित्र अपनी बाइक से जा रहा था, उसका स्टैंड उस पर लगा हुआ रह गया था। जब उसने चौराहे पर अपनी बाइक मोड़ी है तो उसकी जो बाइक के साइड में जिसे पकड़ते हैं मुट्ठा, शायद किसी महिला को टच कर दिया था, तो उसने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उसने तब भी अपनी बाइक वहीं पर खड़ी करी और दोनों मियां। मीटिंग के बाद शहर के व्यापारियों ने अध्यक्ष राजीव गुप्ता के समर्थन में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव किया, जहां समस्त व्यापारियों ने पूरे घटनाक्रम की पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं इस पर SSI विनोद फर्तियाल ने कहा, मैंने तत्काल वहां पहुंच करके और झाड़ू हाथ से छीन करके नाली में फेंकी है और मैंने उनसे कहा कि आज त्योहार का जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व का दिन है और आप लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये चीजें अच्छी नहीं है। आप अपने परिवार के साथ अपने घर जाइए। और दूसरे पक्ष को जो मेरा साथी था, मैंने उसको भी यही कहा कि आप भी अपने घर जाइए, लेकिन वो नहीं माना। वो महिला उसको बिना मतलब का बे आरोप लगाती रही। मेरी पुलिस से सिर्फ इतनी ही मांग है कि न्याय, जो न्याय होता है वो न्याय चाहिए हमें। जब एक व्यापार मंडल का अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, जिस पर 354 और 504 की धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ हमारे नगर का कोई भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है। अगर मेरे को चुन करके भेजा गया है इस बाजार के द्वारा, तो मेरे अंदर कोई तो कमी नहीं होगी ना, तभी तो मेरे को चुन के भेजा गया है। अगर मेरे अंदर कमी होती, इस चौराहे पर रहते हुए मेरे को 22 वर्ष हो गए हैं, 22 वर्ष से व्यापार कर रहा हूँ इस चौराहे पर मैं, लेकिन कभी भी मेरे द्वारा इस तरह की कोई कार्य नहीं किया गया है, ना ही मेरे पे आज तक जीवन में कोई मुकदमा लगा है। मेरे जीवन में मेरे ऊपर एक पहली बार मुकदमा लगा है। मैं आदरणीय कोतवाल साहब से निवेदन करता हूँ, SSP महोदय साहब से निवेदन करता हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए, अपने साथियों के साथ न्याय चाहिए। आप उसकी विवेचना करके मुझ पर मुकदमा दर्ज करते तो बहुत अच्छा रहता। पता नहीं कौन सी आपत्ति, आपने 15 मिनट के अंदर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, बिना विवेचना के मुकदमा दर्ज कर दिया, बिना साक्ष्य के मुकदमा दर्ज कर दिया। ये बहुत ही मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं हमेशा आपकी तारीफ करता रहा, किंतु एक दिन पहले भी मेरे को SSP ऑफिस से जन्माष्टमी कार्ड आया और अगले ही दिन मेरे पे मुकदमा लग गया, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं आपसे अभी भी न्याय की गुहार लिखा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ घटित हुआ है। और घटित होने पे अगर पुलिस का इतना तकड़ा एक्शन, वैसे तो काबिले तारीफ, पर उस काबिले तारीफ के बीच में हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि वास्तविक में कोई चीज हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो किसी सामान्य व्यक्ति का, ये हमारे चुने हुए जिला अध्यक्ष हैं, अपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं चुने हुए, तो चुने हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष के ऊपर बगैर वास्तविकता जाने अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उनकी छवि कितनी धूमिल होती है और पूरे व्यापारियों की छवि कितनी धूमिल होती है। हमारा मतलब है कि अगर राजीव गुप्ता जी गलत हैं उस मुद्दे में, तो हम पूरे शहर के चौराहे के लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे। पर अगर वो बेचारे गलत नहीं है, तो फिर उनकी जांच करके उनको उस मुद्दे से बाहर करना ये बनता है। और ये हम लोगों का सबकी पुलिस से गुजारिश है कि इस चीज़ को बिल्कुल निष्पक्षता से देखें। एक अभियोग राजज्योति राणा राम पसनी द्वारा थाने पर लिख कराया था, तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें तीन लोगों के नाम नामजद है, अशोक जैन, उमेश गुप्ता और राजीव गुप्ता के नाम जो है अभियोग नामजद दर्ज किया गया है। वहाँ जिले के भी 161 के बयान अंकित किए गए हैं और घटनास्थल का मुआयना आयोग द्वारा किया गया है। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रहा है मामला, और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले लोकजन न्यूज, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले।